नमस्कार मित्रों, आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं नागौर जिले के हरनावा ग्राम की लोकप्रिय संत भक्तिमयी महासती राणाबाई की कहानी, जिसे लेखक विजय नाहर द्वारा लिखा गया है, जो कि भारतीय इतिहासकार हैं और मूलतः हरनावा ग्राम के ही हैं। 16वीं शताब्दी में मेड़ता राज्य के ग्राम हरनावा में सती राणाबाई की जीवित समाधि बड़ी जागृत समाधि जानी जाती है। श्रद्धापूर्वक शुद्ध भाव से जो भी भक्त इस समाधि के दर्शन कर जो भी मनोकामना करते हैं वह निश्चित ही पूर्ण हो जाती है। श्रद्धालु घर से निकलते समय संकल्प लेकर माता के दरबार में नारियल व अगरबत्ती समर्पित कर अपनी मनोकामना पूर्ण करने का यदि निवेदन करे तो निश्चित रूप से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, यदि अपने स्थान पर भी संकल्प कर माता की शरण ले तथा पूर्ण होते ही माता का दर्शन लाभ ले तो भी संकल्प फलीभूत हो जाता है। माता राणाबाई बड़ी दयालु है, कृपालु है, भक्तों की सार संभाल करने वाली है तथा दुख कष्ट में संकट से निकालने वाली है। सती राणाबाई की महिमा आस पड़ोस में तो है ही, साथ ही जहाँ जहाँ भी इस क्षेत्र के निवासी रहते हैं वहाँ वहाँ भी राणाबाई की श्रद्धा भक्ति की महिमा फैली हुई है। वैशाख सुदी तेरस, भादवा सुदी तेरस तथा माह सुदी तेरस को प्रतिवर्ष हरनावा सती राणाबाई की समाधि पर विशाल मेला लगता है, जिसमें आसपास के क्षेत्रवासियों के अलावा बड़ी तादाद में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, मालवा एवं दक्षिण से भी हजारों यात्री राणाबाई की समाधि पर दोग देने आते हैं। आज तो हरनावा की पहचान ही राणाबाई के नाम से होने लगी है। भक्तिमयी मीरा सती राणाबाई के समकालीन है। मीरा श्री कृष्ण जिन्हें वे गिरधर गोपाल कहती थी उनकी भक्त थी। मीरा श्री कृष्ण प्रेम की दीवानी थी और अपनी भक्ति के प्रताप से श्री कृष्ण में ही द्वारिका रणछोड़ जी की मूर्ति में लीन हो गई, समा गई, एक रूप हो गई। भक्तिमयी मीरा सती राणाबाई के समकालीन है। मीरा श्री कृष्ण जिन्हें वे गिरधर गोपाल कहती थी उनकी भक्त थी। मीरा श्री कृष्ण प्रेम की दीवानी थी और अपनी भक्ति के प्रताप से श्री कृष्ण में ही द्वारिका रणछोड़ जी की मूर्ति में लीन हो गई, समा गई, एक रूप हो गई। सती राणाबाई भी भगवान गोपीनाथ जी की सहचरी के रूप में प्रकट हुई। मीराबाई का कालक्रम 1498 ईस्वी से 1547 ईस्वी तक माना जाता है, वहीं सती राणाबाई का कालक्रम 1504 से 1570 ईस्वी तक माना जाता है। मीराबाई का जन्म कुड़की एवं बचपन मेड़ता में व्यतीत हुआ, वहीं सती राणाबाई हरनावा में ही जन्मी, पली, साधना की तथा समाधिष्ट हुई। मेड़ता राज्य में ही हरनावा ग्राम आता था। इसके उपरांत भी कहीं से भी ऐसी जानकारी नहीं मिलती कि कभी दोनों के मिलने का संयोग बना हो। दोनों के जीवन में एक समय ऐसा भी आया जबकि दोनों वृंदावन में रह रही थी, श्री कृष्ण गिरधर गोपाल के रूप में मीरा के पास थे
तो गोपीनाथ जी के रूप में सती राणाबाई के पास भी थे। भगवान की महिमा अपरंपार है। सती राणाबाई के पूर्वज जैसलमेर के थे। इतिहासकार मोहता नैण सिंह के अनुसार संवत 1361 में बादशाह अलाउद्दीन खिलजी की फौजों ने जैसलमेर पर आक्रमण किया। जैसलमेर के रावल मूलराज और रतन सिंह के नेतृत्व में उनकी सेना ने मैदान में जबरदस्त मुकाबला किया, परंतु युद्ध में अलाउद्दीन की विजय हुई। रावल मूलराज एवं कुंवर रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए। मुणोत नैण सिंह लिखते हैं कि निरंतर 12 वर्ष तक युद्ध चलता रहा, तब कहीं जाकर अलाउद्दीन को विजय प्राप्त हुई। जैसलमेर गढ़ की सुरक्षा रावल रतन सिंह की लड़की कर रही थी। पूरा प्रयत्न करने के बाद भी अलाउद्दीन की सेनाएं गढ़ को जीत नहीं सकी। जैसलमेर का गढ़ अद्भुत है तथा संसार में अपने शिल्प स्थापत्य का एकमात्र उदाहरण है। यह गढ़ पत्थर के साथ पत्थर जोड़कर बनाया गया है। इसमें किंचित भी गारे चूने अथवा सीमेंट का उपयोग नहीं है। यह किला अजय किला कहलाता है। प्रातःकाल और सूर्यास्त के समय सूर्य की लालिमा से यह पीले पत्थर से बना गढ़ सोने के समान चमकता हुआ अपना सोनगढ़ या स्वर्णगिरी नाम सार्थक करता है। भयंकर गुस्से में अलाउद्दीन एवं उसकी सेना ने जैसलमेर वासियों पर भीषण अत्याचार किए। शहर में कत्लेआम कर दिया। हजारों हिंदुओं की मौत के घाट उतार दिया गया। घरों को आग की लपटों के हवाले कर दिया गया। सरेआम गली मोहल्लों में गोवंश को मार मार कर मांस व रक्त को बिखेर दिया गया। ऐसी भयानक स्थिति में लोगों ने जैसलमेर से पलायन कर अपनी सुरक्षा की, जिसे जिधर रास्ता मिला जाकर अपने प्राण बचाए। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी को इतिहासकारों ने औरंगजेब की उपमा दी है। राजस्थान का इतिहास पुस्तक में कर्नल टोड ने लिखा है, जिस जैसलमेर गागरोन और बूंदी को भट्ट लोग खींची और हारवंश के राजाओं की लीला भूमि कहा करते थे, आज अलाउद्दीन के अत्याचारों से उनकी दशा अत्यंत हीन हो गई है। जिस समय अलाउद्दीन के प्रचंड अत्याचारों से राजस्थान के देश उजड़ रहे थे, इस काल में मारवाड़ के राठौड़ और अंबर के कुशवाहा लोग भारत के इतिहास में नाम मात्र दिखाई दिए थे। जैसलमेर से पलायन करने वालों में सती राणाबाई के पूर्वज हरजी भी एक थे। हरजी अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ पूरा काफिला था, जिसमें वैश्य, महेश्वरी, ब्राह्मण, खाती, कुम्हार, सुनार, रायका, भांबी आदि सभी जातियों के लोग थे। चलते चलते एक दिन वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां विस्तृत मैदान में एक महात्मा पागलनाथ जी धुनी ताप रहे थे। देखो प्रभु की महिमा कैसी अनोखी है, आसपास कोई बस्ती नहीं, ऐसे निर्जन स्थान पर महात्मा धुनी ताप रहे थे। पेड़ व हरियाली देखकर हरजी ने यहीं पर रात्रि विश्राम का निश्चय कर अपने तंबू गाड़ दिए। घोड़ों, ऊंटों एवं पशुओं को पेड़ों के नीचे विश्राम करने को बांध दिए तथा उनके खाने को चारा डाल दिया। अधिकांश पशुओं को खुले में चरने के लिए छोड़ दिया। काफिले की महिलाएं सभी लोगों के लिए भोजन व्यवस्था में जुट गई। काफिले के लोगों को जल की आवश्यकता पड़ी
पशुओं के लिए भी और प्यासे मनुष्यों के लिए तथा भोजन करने के लिए भी चारों तरफ नजर दौड़ाई, परंतु कहीं पर भी कुएं अथवा तालाब आदि के दर्शन नहीं हुए, परंतु एक महात्मा धुनी तापते दिखाई दिए। हरजी उनके पास पहुंचे तथा प्रणाम कर अपना परिचय व आवश्यकता बताई। रात्रि का समय था। फिर महात्मा जी ने अपनी सिद्धि बल से हरजी को पानी का स्थान बता दिया। हरजी वहां पहुंचे तो देखा कि सामने सपाट भूमि है तो पूरे मैदान में धूप उगी हुई है, परंतु बीच में थोड़ा सा जल झिलमिल कर रहा था। एक बार तो बड़ी निराशा हुई, परंतु जब देखा कि कितने ही घड़े भरने के पश्चात भी पानी उसी स्थिति में पड़ा है तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। आज भी उस स्थान को गड़ोई नाम से जाना जाता है। गड़ोई यानी एक घड़ा पानी भरने का स्थान। एक एक कर कितने भी घड़े भर लो, पानी समाप्ति नहीं होगा। हरजी की श्रद्धा महात्मा जी में बढ़ गई। उन्हें महात्मा चमत्कारी लगे। हरजी ने सबके साथ मिलकर इसी स्थान पर स्थायी निवास बनाने का निर्णय कर महात्मा जी का आशीर्वाद लेने पहुँचे। महात्मा जी को प्रसाद आदि भेंट कर निवेदन किया कि आपकी आज्ञा हो तो हम सभी यहीं पर बस्ती बसाना चाहते हैं। महात्मा जी ने हरजी को आशीर्वाद दिया, बसते भलो। प्रातःकाल हरजी अपने साथियों के साथ पुनः महात्मा जी की समाधि एवं सेवा में पहुँचे। उन्होंने आसपास किसी कुएं की जानकारी चाहने पर महात्मा जी ने पड़ोस का एक कुआं पानी पीने के लिए बता दिया। कुएं का जल अमृत के समान मीठा था। आज भी यह कुआं गांवाई कुआं कहलाता है। इसमें पानी की कभी कमी नहीं आती तथा कहते हैं इसका पेंदा आज तक नहीं देखा गया। पानी की वह गड़ोई और यह गांवाई कुआं महात्मा जी के सिद्धि बल का पुण्य प्रताप है। ईश्वर इच्छा से ही महात्मा जी का धुनी तापते दिखाई देना, हरजी का वहीं रात्रि विश्राम के पश्चात स्थायी आवास करने का निर्णय करना, पानी के स्रोत मिलना, यह सब ईश्वर इच्छा का ही परिणाम है। अन्यथा कहाँ जैसलमेर और कहाँ यह हरनावा की धरती। फासला काफ़ी लंबा है। ईश्वर की योजना को, उसकी इच्छा को आज तक कौन जान सका है। उस समय कौन जान सकता था कि हरजी की भावी पीढ़ी में ऐसी अवतारी सती होगी जिसके सत से हरनावा सहित सारा क्षेत्र जगमगा उठेगा। हरजी ने महात्मा जी पागलनाथ जी की प्रेरणा से इसी विस्तृत भूमि पर बसना तय किया। उन्हीं हरजी के नाम पर इस बस्ती अथवा ग्राम का नाम हरनावा विख्यात हुआ। नया बसा गांव एवं उपजाऊ धरती के साथ पानी की पूरी सुविधा की जानकारी होते ही आसपास के क्षेत्रों से विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोग हरनावा में बसने के लिए आने लगे। अनेक लोग उत्सुकतावश देखने आने लगे। हरजी एवं उनके साथियों के मधुर व्यवहार के कारण देखने आने वाले लोगों की मानसिकता गांव में स्थायी रूप से बसने की होने लगी। देखते ही देखते क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव बन गया। हरजी किस जाति के थे कहा नहीं जा सकता, परंतु जैसलमेर क्षेत्र में राजपूतों की अधिकांश बस्तियां थी, अतः माना जा सकता है कि हरजी राजपूत एवं संभवतया भाटी राजपूत होंगे। अतः हरनावा के प्रथम शासक भी हरजी ही थे। हरजी शिव के उपासक थे। जानकारी मिलती है कि हरजी की प्रायः 20 पीढ़ी के बाद दुणाजी का जन्म हुआ। दुणाजी के
कोई संतान जीवित नहीं रहती थी। ऐसी स्थिति में उन्होंने नाथ जी की धुनी पर जाकर बोलमा की थी कि यदि मेरे संतान होगी तो पहली जीवित संतान को धुनी को समर्पित कर दूंगा। देवयोग और नाथ जी की कृपा से दुना जी का लड़का हुआ। संकल्प के अनुसार दुना जी ने उस बालक को नाथ जी को भेंट कर दिया। एक वर्ष बाद दूसरा लड़का पैदा हुआ। दुना जी उसे भी श्री नाथ जी को समर्पित करने चले, क्योंकि दुना जी के मन में विश्वास पैदा हो गया कि ये संतानें नाथ जी की कृपा से ही हो रही है। नाथ जी ने छोटा पुत्र दुना जी को लौटाते हुए कहा कि यह तुम्हारे वंश की वृद्धि करेगा और आज से यह खांप जाट जाति में विख्यात होगी। आगे चलकर दुना जी के इसी पुत्र के वंश में सती रानाबाई का अवतार हुआ। इसी आधार पर यह माना जाता है कि दुना जी तक यह वंश बाटी राजपूत थे तथा दुना जी के छोटे पुत्र से यह वंश जाट वर्ण की भाटी गोत्र व धूण खांप में विख्यात हुआ। दुना जी की कौन सी पीढ़ी में रानाबाई के परदादा जालमजी हुए निश्चित नहीं है। 1304 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण जैसलमेर पर हुआ। उस समय जैसलमेर की आबादी को जैसलमेर छोड़ना पड़ा था। मूता नैनसिरी ख्यात भाग 3 के अनुसार दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने 1365-67 ईस्वी में थट्टा पर आक्रमण करने का विचार किया। रास्ते में जैसलमेर पर भी आक्रमण किया। इस आक्रमण में रावल दूदा और तिलोक सिंह ने जौहर किया, यानी साका कर अपने प्राण उत्सर्ग किए। फिरोजी तुगलक की फौजों ने जैसलमेर को खूब लूटा व कत्लेआम किया। संपूर्ण राज्य को उजाड़ कर दिया तथा इलाके में जबरन मुसलमान बनाए गए। स्वयं फिरोज अपनी जीवनी में लिखता है, मैंने अपनी काफिर यानी हिंदू प्रजा को पैगंबर मोहम्मद साहब का धर्म इस्लाम स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। इतिहासकार डॉक्टर आर सी मजूमदार ने लिखा है कि फिरोज इस युग का सबसे बड़ा धर्मांध सुल्तान था और इस क्षेत्र में वह सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रणी था। वह कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने हिंदू ही नहीं शिया मुसलमान सूफी महदवी मुसलमानों पर भी धार्मिक अत्याचार किए तथा अनेकों को मरवाया। संभव है इन अत्याचारों से बचने एवं अपने धर्म की रक्षा के लिए हरजी जैसे स्वाभिमानी वीरों ने जैसलमेर से पलायन करना ही उचित समझा हो। अतः इसकी भी संभावना हो सकती है कि हरजी का काफिला जैसलमेर से 1304 ईस्वी के स्थान पर 1365-67 ईस्वी में निकला हो। रानाबाई के जन्म 1504 ईस्वी और अलाउद्दीन के आक्रमण में 200 वर्षों का अंतर है तथा रानाबाई के जन्म और फिरोज तुगलक के आक्रमण में 139-40 वर्ष का अंतर आता है। इन 150 अथवा 200 वर्षों में हरजी के वंश की 25 पीढ़ियां होती है। इस प्रकार हरजी की 25वीं पीढ़ी में सती रानाबाई का अवतरण हुआ, ऐसा माना जा सकता है। इस प्रकार हरनावा ग्राम आज से 700 वर्ष के लगभग पूर्व बसा हुआ माना जाएगा। दुना जी के छोटे पुत्र जो सती रानाबाई के परदादा थे का नाम जालमजी था। जालमजी बड़े वीर एवं बहादुर व्यक्ति थे। जालमजी के पुत्र का नाम रामूजी तथा रामूजी के एक पुत्र हुए रामगोपाल जी। रामगोपाल जी के एक पुत्र व दो पुत्रियां हुई। पुत्र का नाम भवान जी
तथा पुत्रियों के नाम बड़ी रानाबाई तथा छोटी बहन दानी था। दांदोली ग्राम दानीबाई के नाम पर ही बसाया गया था। रानाबाई का जन्म वैशाख सुदी तीज अक्षय तृतीया संवत 1561 सोमवार 10 अप्रैल 1504 ईस्वी को हरनावा ग्राम में हुआ था। भारतीय जनजीवन में अक्षय तृतीया का बड़ा महत्व है। इसे अबूझ सावा कहते हैं। यह तिथि कभी टूटती नहीं, इसलिए अक्षय है। जन्म से पूर्व ही रानाबाई ने अपना चमत्कार दिखाना प्रारंभ कर दिया था। राना जब गर्भ में आई, उसके बाद उसकी माता को सुखद स्वप्न दर्शाव होने लगे। राना के जन्म के कुछ समय पूर्व प्रतिदिन कोई न कोई स्वप्न आने लगे। प्रातः जाग खुलने के बाद कुछ समय तक वे सुख स्वप्न में खोई रहती। पति के उठने पर वे उन्हें स्वप्न के विषय में बताती थी। कभी स्वप्न में वे हरे भरे बाग के बगीचे देखती, जिसमें हर तरह के रंग बिखरते सुंदर खिले हुए मुस्कुराते हुए फूलों व फलों में लदी डालियां देखती। छोटे छोटे सुंदर खिले हुए कमल पुष्पों एवं आच्छादित सरोवर, जिसमें कलक करते पक्षी, भारी भारी सुंदर मयूर अपने पंख फैलाकर छतरी बनाते हुए दिखाई दे रहे थे। आम्र कुंज में अपने मीठे स्वरों से कुहू कुहू करती कोयल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। एक दिन स्वप्न आया, सुंदर सेवन में स्वच्छ जल के बहते झरने के पास एक सुंदर चित्ताकर्षक बालिका के गले में शुभ्र पुष्पों की माला पहनाते हाथियों का परिवार दिखा। आकर्षक मनमोहन बालिका, शुभ्र हाथियों का झुंड मनोहर जंगल में स्फटिक से बहते झरने को देखकर माता का हृदय आनंद से पुलकित हो उठा। जाग खुली, पास में सो रहे पति को पुकार कर जगाया और अपना स्वप्न बताया। माता आनंद से इतनी पुलकित थी कि ठीक से स्वर नहीं फूट रहे थे। प्रातः ही गांव जोशी को बुलाया तथा सारे स्वप्न बताकर उसका तात्पर्य पूछा। जोशी जी ने स्वप्न सुनकर कुछ विचार करते हुए पंचांग देखा और बोले, चौधरी जी, अहोभाग्य, आपके परिवार में शीघ्र ही एक पुत्री का अवतरण होगा, जो आपके खानदान का नाम रोशन करेगी। भाग्यशाली होगी, आपके परिवार के साथ साथ हरनावा ग्राम की प्रतिष्ठा भी बढ़ाएगी। यह ऐसी सती साध्वी होगी जिसके जन्म के पश्चात सब प्रकार के अभावों से घर परिवार ही नहीं, हरनावा का पूरा चोखला तर जाएगा। जोशी जी की बातें सुनकर चारों ओर खुशियां छा गई। वस्तुतः हुआ भी ऐसा ही। बालिका जन्म का समय आ गया। सामान्यतया प्रसव के समय महिलाओं को बहुत पीड़ा होती है, परंतु राना की माता को किंचित भी पीड़ा नहीं हुई। प्रसव स्थिति से पूर्व ही माता बेहोश हो गई और उसी अवस्था में प्रसव हो गया। दाई ने बालिका को गोद में लेकर बाहर खड़े दादा की गोद में दिया तथा बधाई मांगी। दादा ने अपने गले से हार निकाल कर दाई को दिया और बालिका को गोद में लेकर लड़ाने लगे। बालिका हाथ पांव हिलाते हुए मुस्कुराने लगी। ओह, यह चित्ताकर्षक मुस्कान! दादा कुर्बान हो गए। गांव भर में मिठाइयां बांटी, घर भर में आनंद छा गया। अक्षय तृतीया का दिन, पेड़ पौधों में हरियाली छा गई, लताओं पर नए नए पुष्प खिल उठे, मयूर नृत्य करने लगे, कोयल कुहू कुहू करते हुए मंगल गान करने लगी, गोवंश हुंकार हुंकार कर रंभाते हुए अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहे थे। पतझड़ की नीरवता समाप्त होकर चारों ओर वसंत की बहार लहलहाने लगी।
मौसम सुहावना हो उठा। गांव-गांव के लोग लुगाइयां आकर दादाजी को बधाई देने लगे। बालिका राणा को देख महिलाएं आत्मविभोर होने लगी। जिधर देखो उधर सर्वत्र राणाबाई की ही चर्चा होने लगी। दादाजी ने गांव जोशी जी को बुला भेजा। जोशी जी ने अपना टीपना देखकर अपनी अंगुलियों के पोरों पर अंगूठा घुमाने लगे। पतड़े पर ग्रह चक्र बना दिया, कुंडली बनाकर देखने लगे। कुछ देर विचार कर बोले, ग्रह तो बड़े अच्छे बन पड़े हैं। वैशाख शुक्ला तृतीया का दिन है, आज अक्षय तृतीया है जिसका कभी क्षय नहीं होता। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जन्म सर्वार्थ सिद्धि योग स्वाति जैसा उत्कृष्ट नक्षत्र एवं तुला जैसी राशि में जन्म हुआ है। नाम होगा राणा। बालिका भाग्यशाली व खुशहाली लाने वाली है। सारे परिवार गांव को तार तार कर देगी। इसकी ख्याति दूर दूर तक फैलेगी तथा दिन दिन बढ़ती ही जाएगी। परंतु एक बात है, बच्ची की कुंडली में प्रवज्जया योग बना है। 5 ग्रहों की युति है। यह गृहस्थ सन्यासिनी होगी। यह सुनते ही दादा गंभीर हो गए। परंतु माता पिता चौंक कर उछल पड़े। कहने लगे, जोशी जी यह क्या कहा आपने? क्या इस बच्ची का विवाह नहीं होगा? जोशी जी कहने लगे, ग्रह तो ऐसा ही बता रहे हैं, शेष तो ईश्वर की इच्छा है। उसके आगे तो ग्रहों की भी ताकत नहीं चलती। जोशी जी उठकर खड़े हो गए। उन्होंने अपनी दक्षिणा ली, टीपना समेटा और चलते बने। घर के लोगों में अपने अपने ढंग से जोशी जी की बात का चिंतन होने लगा। बालिका राणा के आने से चारों ओर चहल पहल होने लगी। गांव की किशोर बालिकाएं झुंड की झुंड आती और राणा को खिलाती, उसके साथ अटखेलियां करती। राणा को किसी ने रोते हुए नहीं देखा। केवल एक बार जन्म के समय ही वह अवश्य रोई थी। वह हर क्षण मुस्कुराती रहती थी। किसी ने भी कभी राणा को खिलखिलाकर हंसते हुए नहीं देखा। वह बचपन से ही सक्रिय क्रियाशील थी, परंतु चंचल नहीं थी, बल्कि सहज गांभीर्य उसका चाल चलन में था। जब वह सो रही होती तो उसके सुंदर सलोने गोरवर्ण चांद से मुख पर देवी कांति झलकती थी तथा अधरों पर स्निग्ध मुस्कान रहती थी। ऐसा लगता था जैसे साक्षात लक्ष्मी अपनी दिव्यता लेकर अवतरित हुई है। घर भर के लोग उसे देख देख कर आत्मविभोर हो जाते। प्रत्येक की जिज्ञासा व आतुरता उसे निरंतर देखने की होती थी। माता तो जैसे उसे छोड़ना ही नहीं चाहती थी। दादा की वह विशेष लाडली थी। जब वह पांवों के घुंघरों की छम छम आवाज करती दादा के पास जाती थी तो दादा दौड़कर उसे गोद में उठाकर हृदय से चिपका लेते तथा ऐसे आत्मविभोर हो जाते जैसे स्वर्ग का संपूर्ण ऐश्वर्य उनकी गोदी में आकर समा गया हो। राणा 3-4 वर्ष की हुई, वह प्रायः दादाजी के पास ही अधिक समय रहा करती थी। एक दिन दादाजी को माला फेरते देख राणा बोली, दादा दादा मुझे भी एक माला दे दो, मैं भी फेरूंगी। दादा ने बड़ी खुशी से एक तुलसी की माला दे दी। बस अब क्या था, माला पाकर राणा बहुत प्रसन्न हुई। इतनी जैसे खजाना मिल गया हो। राणा का क्रम बन गया। वह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में दादा के साथ ही बिस्तर छोड़ देती। नित्य क्रम से निवृत्त होकर माला फेरने लगी। किसकी माला फेरती यह कोई नहीं जानता। माला फेरते फेरते वह घंटों पालती मारे ध्यान में बैठी रहती। घर के लोग
उनके इन क्रियाकलापों का आनंद लेते और कहते, राणा तो वैरागण बन गई। उन्हें नहीं मालूम कि यह परिहास भविष्य में सत्य होने वाला है। राणा को अपने समवयस्क बालक बालिकाओं के साथ बैठकर बातचीत करना अच्छा लगता था। वह बोलती कम थी और सुनती अधिक थी। बच्चों के साथ खेलना कूदना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। वे मोर पंख एकत्र करती रहती थी। प्रातःकाल कबूतरों को दाना डालना, छींके पर पानी रखना उसके नित्य क्रम में सम्मिलित था। दिन में जब सभी परिवारजन खेतों में चले जाते तो राणा ध्यान में बैठी रहती। सायंकाल गोधूली वेला में गायें व पशु घर लौटते, उनके गले में बंधी घंटियों की मधुर आवाज़ सुनने वे घर के द्वार पर आकर उन्हें देखने में तल्लीन हो जाती। उनके पिता जब गायों को दूहते, फिर बछड़े उछल कूद करते गायों के स्तन से दूध पीते थे, यह दृश्य देखना राणा को बहुत अच्छा लगता था। गायें भी अपने बीच राणा को देखकर खुशी के मारे रंभाने लगी थी और बछड़े उछल कूद करने नाचते हुए राणा के इर्द गिर्द एकत्र हो जाते थे। राणा गायों और बछड़ों की बड़ी चिंता करती थी। गायों को समय समय पर नहलाना, दाना पानी ठीक से दिया या नहीं, इसकी सावधानी से देखरेख करती थी। बीमार गाय बछड़ों की दवा व सेवा करना कभी नहीं भूलती थी। राणा कहती थी, गाय हमारी माँ है, उसकी सेवा से देव प्रसन्न होते हैं, उनमें देवों का वास है। गोवंश मानव जाति की प्रत्येक प्रकार से सेवा करती है, अतः उनकी सेवा करना, देखरेख करना तथा प्रातः उनके दर्शन करना अत्यंत पुण्यशाली कार्य है। गो गंगा गीता गायत्री व धरती हमारी जन्मदात्री माता के समान है। इनकी सुरक्षा सेवा प्रत्येक का मानव का कर्तव्य है। राणा को अपने समवयस्क बालक बालिकाओं के साथ बैठकर बातचीत करना अच्छा लगता था। वह बोलती कम थी और सुनती अधिक थी। बच्चों के साथ खेलना कूदना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। वे मोर पंख एकत्र करती रहती थी। प्रातःकाल कबूतरों को दाना डालना, छींके पर पानी रखना उसके नित्य क्रम में सम्मिलित था। दिन में जब सभी परिवारजन खेतों में चले जाते तो राणा ध्यान में बैठी रहती। सायंकाल गोधूली वेला में गायें व पशु घर लौटते, उनके गले में बंधी घंटियों की मधुर आवाज़ सुनने वे घर के द्वार पर आकर उन्हें देखने में तल्लीन हो जाती। उनके पिता जब गायों को दूहते, फिर बछड़े उछल कूद करते गायों के स्तन से दूध पीते थे, यह दृश्य देखना राणा को बहुत अच्छा लगता था। गायें भी अपने बीच राणा को देखकर खुशी के मारे रंभाने लगी थी और बछड़े उछल कूद करने नाचते हुए राणा के इर्द गिर्द एकत्र हो जाते थे। राणा गायों और बछड़ों की बड़ी चिंता करती थी। गायों को समय समय पर नहलाना, दाना पानी ठीक से दिया या नहीं, इसकी सावधानी से देखरेख करती थी। बीमार गाय बछड़ों की दवा व सेवा करना कभी नहीं भूलती थी। राणा कहती थी, गाय हमारी माँ है, उसकी सेवा से देव प्रसन्न होते हैं, उनमें देवों का वास है। गोवंश मानव जाति की प्रत्येक प्रकार से
सेवा करती है। अतः उनकी सेवा करना, देखरेख करना तथा प्रातः उनके दर्शन करना अत्यंत पुण्यशाली कार्य है। गो गंगा, गीता, गायत्री व धरती हमारी जन्मदात्री माता के समान है। इनकी सुरक्षा सेवा प्रत्येक का मानव का कर्तव्य है। रात्रि का ब्यालू करके राणा दादा के पास चली जाती और कथा कहानियाँ सुनती थी। वह उनका सबसे अधिक रुचिकर विषय था। इस समय किसी के द्वारा भी आवाज़ देकर बुलाना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। राणा के यहाँ अनेक बकरियाँ थी। राणा को उनके छोटे छोटे बच्चे बहुत पसंद थे। मध्याह्न में वह अक्सर उनके साथ खेला करती थी। राणा के दादाजी बड़े भक्तिभाव वाले पुरुष थे। उनकी कहानियों में भक्त लोगों के प्रसंग एवं भगवान पर आस्था के प्रसंग ही अधिक होते थे। बालपन में राणा पर भी ये भक्ति के संस्कार बहुत गहरे पड़े थे। 4 वर्ष की बालिका माला फेरती, भजन गाती, ध्यान लगाती, ऐसा लगता था जैसे पूर्व जन्म के संस्कार राणा में उदय हो रहे थे। राणा जब 8-10 वर्ष की अवस्था की हुई, उसकी गंभीरता बढ़ गई थी। ऐसे ही समय भक्त खोजी जी हरनावा गांव में पधारे। उनका ठहरना इन्हीं के परिवार में होता था। जब तक गांव में रहते, प्रातः सायं रामकथा का प्रवचन करते थे। वे रामस्नेही संप्रदाय के साथ जुड़े हुए थे। उनकी मधुर वाणी से कही हुई रामकथा में इतना आकर्षण था कि दूर दूर से सुनने के लिए नर नारी आते थे। राणा तो जैसे निहाल हो गई। दिन भर वे खोजी जी की सेवा टहल में ही लगी रहती थी। खोजी जी को भी राणा बहुत अच्छी लगती थी। खोजी जी ने राणा को राम मंत्र दिया। अब राणा राम राम की माला फेरती तथा राम का ही ध्यान करने लगी। राणा अपनी सहेलियों के साथ गांव में उनके घर परिवार में भी आने जाने लगी थी। वह जिस मोहल्ले में जाती, उधर ही बच्चों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। वह जिस घर में जाती, यदि वहाँ कोई बीमार हुआ तो उसके हालचाल अवश्य पूछती थी तथा उसके मस्तक पर हाथ फेर कर कहती थी, चिंता नहीं करें, शीघ्र स्वस्थ हो जाओगे। लोगों ने देखा कि राणा के जाने के पश्चात वस्तुतः वह बीमार व्यक्ति भी शीघ्र ही स्वस्थ हो जाता था। धीरे धीरे यह बात गांव भर में व्याप्त हो जाती थी। बस फिर क्या था, जिस परिवार में भी कोई बीमार हुआ, राणा के पास माथे पर हाथ फिरवाने लाया जाने लगा। राणा बड़ी प्रसन्नता के साथ हाथ फेर कर शीघ्र स्वस्थ होने का वचन बोल देती। गांव के लोगों में राणा के प्रति बड़ी श्रद्धा भाव बनने लगी। राणा का मन बड़ा कोमल एवं करुणाद्र था। कोई भी भिखारी राणा के दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटता था। राणा उसे जो भी होता खाने को देती। यदि कुछ नहीं भी हुआ तो एक मुट्ठी आटा अथवा अनाज अवश्य देती थी तथा शीतल जल पिलाती थी। साथ ही उससे बार बार राम का नाम बुलवाती और कहती, राम नाम जपो, इससे आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। राम अपने भक्तों को कभी भूखा नहीं सोने देते। किसी के तन पर कपड़ा नहीं होता तो राणा दादाजी से वस्त्र मांगकर उसे देती थी। 12 वर्ष की होते होते राणा ने अपने दादाजी से अक्सर ज्ञान के साथ साथ धर्म की पुस्तकें पढ़ना सीख लिया था तथा गणित का प्रारंभिक ज्ञान भी कर लिया था। राणा की बुद्धि इतनी तीव्र थी कि वे एक बार किसी बात को सुन लेते तो उन्हें वह स्मरण हो जाता।
इसलिए राणा को एक पाठी कहते थे। अब राणा सायंकाल बालक बालिकाओं के सामने राम की कथा सुनाने लगी थी। कथाओं में अनेक भक्तजनों के सुंदर प्रसंग भी कहने लगी थी। धीरे धीरे बालकों के साथ साथ बड़े भी आने लगे और राणा की मधुर वाणी से राम कथा का श्रवण करने लगे थे। जो यह समाचार आसपास के गांवों तक पहुंचने लगा, अनेक साधु संतों का प्रवास हरनावा ग्राम में होने लगा। राणा की गंभीरता निरंतर बढ़ती जा रही थी। हरनावा गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों डाणियों में राणा के चमत्कारों का यश फैलने लगा था। राणा 13 वर्ष की सुंदर युवती हो गई। चेहरे पर सुंदरता के साथ साथ तेज भी बढ़ गया था। शरीर सौष्ठव आकर्षक हो गया। परिवार वालों को अब उनके विवाह की चिंता सताने लगी थी। बात बात में परिवार के लोग एवं सखी सहेलियाँ उनके विवाह की उनसे चर्चा करने लगी। राणा को उनकी इस चर्चा में कभी रस नहीं आया और वे बात को टाल देती थी। राणाबाई के पिता राम गोपाल जी खेती करते थे। इनका विवाह गढ़वाल गोत्र की लड़की गंगा देवी से हुआ, जिनका शेखावटी में शासन था। राणाबाई की माँ, भाई एवं भाभी सभी लोग खेती के कार्य में लगे रहते थे, परंतु राणाबाई दिन भर भजन पूजा में ही लगी रहती थी। बचपन से किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, परंतु जो राणाबाई की अवस्था बढ़ती गई त्यों भक्तिभाव बढ़ता गया। यौवन अवस्था में भी राणाबाई की दिनचर्या में कोई अंतर नहीं आया और वे उसी तरह भजन भक्ति में ही लगी रहती थी। अब परिवार के लोगों को यह बुरा लगने लगा था। भाई भाभी उसे खेत के काम में लगने के लिए कहते रहते थे। उन्हें यह बहुत अखरता था कि जवान लड़की दिन भर निठल्ली घर पर बैठी रहती है और कोई काम नहीं करती, न खेत में और न घर पर। बार बार उलहना देते रहते थे। माता पिता समझाते लेकिन कोई बात बनी नहीं। अब यह सयानी हो गई है। 2 दिन बाद इसका विवाह हो जाएगा तो ससुराल चली जाएगी। कितने दिन की बात और है, अपने आप काम पर लग जाएगी। अब माता पिता भी राणा के विवाह योग्य वर की खोज करने लग गए थे। हरनावा से लगभग 7-8 किलोमीटर पश्चिम में पालड़ी गांव है, जहां खोजी जी नाम के प्रसिद्ध सन्यासी रहा करते थे। उनका संबंध रामानंद संप्रदाय से था। वे राम के अनन्य उपासक थे। उनकी प्रसिद्धि पूरे चोखले में थी। वे स्वयं भी समय समय पर आसपास के गांवों में भ्रमण कर राम भक्ति की महिमा का बखान करते थे। ऐसा लगता है राणा के बचपन में वे हरनावा ग्राम में भी आए थे। जालम जी गांव के मुखिया थे तथा बड़ी धार्मिक वृत्ति होने के कारण से खोजी जी ने उन्हीं के यहाँ अपना डेरा जमाया। जालम जी ने संपूर्ण परिवार व ग्रामवासियों सहित खोजी जी की खूब आवभगत की। नित्य प्रति राम भक्ति की महिमा का बखान होता। राणाबाई पूरी तन्मयता से खोजी जी की सेवा में लगी रहती थी। खोजी जी बड़े पहुँचे हुए संत थे। उन्हें राणा में उत्कृष्ट भक्त के दक्षिण दिखाई देते थे। खोजी जी राणा की सेवा भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अंतर्ज्ञान से राणाबाई के पूर्व जन्म एवं उनके अवतार की जानकारी कर ली और उन्हें अपनी शिष्या बनाकर राम मंत्र की दीक्षा दी। यहीं से राणाबाई
पूरी तरह भक्ति में डूब गई। अब उन पर घर के लोगों एवं गांव के लोगों द्वारा दिए जाने का उलाना का कोई, बल्कि वे मुस्कुराकर बात को आई गई कर देते और आनंद से अपनी भक्ति में लगे रहते थे। राणाबाई स्वस्थ शरीर के साथ बहुत रूपवती थी। उनके चेहरे पर अत्यंत लावण्य एवं तेज टपकता था। उनके संपर्क में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। युवावस्था आने पर उनकी सुंदरता और भी निखरने लगी। उनके व्यवहार में कहीं भी वाचालता नहीं थी, अल्लड़पन नहीं था, बल्कि उम्र से अधिक गंभीरता थी। बाल चलन में धैर्य एवं शालीनता थी। राणाबाई की उम्र ज्यों ज्यों बढ़ रही थी, माता पिता के मन में उनके विवाह की चिंता सताने लगी। राणाबाई के यौवन एवं सुंदरता की चर्चा संपूर्ण चौकले में होने लगी। स्थान स्थान से उनके विवाह संबंधों के लिए न्योते आने लगे। घरवाले भी राणाबाई को विवाह के लिए सुनाने लगे, मनाने लगे। परंतु जब जब भी ऐसे प्रसंग आते, राणाबाई हंसकर टाल देती और कह देती, जे पढ़णु तो राम दुहाई। उनके पिता ने कहा, बेटा क्या कुंवारी कन्या जीवन भर बाप के घर रह सकती है? यह जगत की रीत नहीं है। कन्या को तो देर सवेर विवाह करना ही होता है। परंतु राणाबाई तो स्पष्ट कहती, पिताजी मेरा एक ही निर्णय है, मेरा तो एकमात्र वर है, वह है श्री राम। गुरु खोजी जी के माध्यम से मैंने उनका वरण कर लिया है। मैं जन्म जन्मांतर से उसी की ब्याहता हूँ। मेरा सुहाग अमर वर के प्राप्त होने से अमर हो गया है। अब मुझे सांसारिक मल मूत्र के पिंड पति की कामना नहीं है, क्योंकि वह तो नाशवान है। मेरा वर तो ऐसा है जो न मरने वाला है और न किसी से मारा जा सकता है। वह तो हर क्षण चैतन्य है, अपराजित है, अजर अमर है और अपने आप में संजीवनी तुल्य है, जिसका नाम रट रट कर जीव मुक्त होते हैं। ऐसा राम गुरु खोजी जी की कृपा से मुझे मिल गया है। यह सारा संसार उसी राम की ज्योति से ज्योतिर्मय है। मेरा कल्याण तो उसी राम के सहारे है। उसी राम का नाम व ध्यान मेरे जीवन का आधार है। गुरु शरण में जाने से मुझे सभी सुख मिल गए हैं। संपूर्ण तीर्थों का पुण्य प्राप्त हो गया है। पिताजी, इस राम नाम की महिमा अपरंपार है। राम नाम का स्मरण करते करते ध्यानावस्था में जब व्यक्ति की सुषुम्नावस्था जागृत हो जाती है, तो व्यक्ति राममय हो जाता है। सहस्त्रों धाराओं का निरंतर झरना इस काया में ही बहने लग जाता है। तब अनहद का घोर गंभीर स्वर व्याप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में प्राणी राम से एकाकार हो जाता है। राम ही जीव मात्र का प्राण है। राम निकल जाने पर ही व्यक्ति मृत हो जाता है। अतः पिताजी, राम की नौबत मेरे घर में गूंज रही है, मुझे उसके अलावा कुछ नहीं समझ आता। अब तो वही मेरा वरदार है। अब इस जगत के जंजाल एवं सांसारिक वर्ष मेरा नाता जोड़ना व्यभिचार के समान है। कहीं एक वर के रहते दूसरा वर बनाना न्यायोचित है? मेरे गुरु खोजी जी ने मुझे वर से साक्षात्कार करा दिया है। मैं तो जन्म जन्मांतर से उसी अजर अमर वर राम की दासी हूँ। अब मेरा किसी मरण धर्मा से कोई लगाव नहीं रहा, कोई रिश्ता नहीं। ऐसा कहकर राणाबाई ने माता पिता को प्रणाम किया। माता पिता भाई बावज ने देखा कि बोलते समय
राणाबाई के चेहरे पर कितना तेज था, कितना प्रभाव था। सभी के मस्तक अनायास ही राणाबाई के समक्ष नत हो गए थे। किसी के बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं थे। पिता राणाबाई की भव्यता को देखकर समझ गए कि राणा कोई साधारण बालिका तो नहीं है, निश्चित ही कोई दिव्य आत्मा है। हम बड़े भाग्य हैं कि हमारे परिवार में राणा ने जन्म लिया है। इसके बाद माता पिता ने राणाबाई के विवाह की चर्चा फिर कभी नहीं की। ग्रामवासी राणाबाई का निर्णय सुनकर चकित थे। उन्हें विश्वास ही नहीं था कि ऐसा भी कभी हो सकता है। सांसारिक मानव के सोच की एक सीमा है, वह उससे आगे चिंतन नहीं कर सकता। उन्हें लगा कि कहीं न कहीं कुछ तो गड़बड़ है। इस यौवन की अवस्था में जब प्रत्येक व्यक्ति विवाह के लिए ललायित रहता है, प्रसन्न होता है, उसके पांव जमीन पर ही नहीं टिकते, फिर राणा तो सर्वांग सुंदरी है। ऐसी स्थिति में यह कैसे संभव हो सकता है कि ऐसी युवती विवाह नहीं करने का निर्णय कर ले। अतः ग्रामवासी राणा के प्रत्येक आचरण और व्यवहार की चौकसी करने लगे, परंतु राणा को इससे कोई सरोकार नहीं था। वे तो नित्य अपने भजन भक्ति में लीन रहती थी। ग्रामवासी यद्यपि संध्या के समय भजन कीर्तन में सम्मिलित होते थे, परंतु मन ही मन उनके विवाह न करने की निश्चय पर निंदा भी करते थे। राणाबाई के भाई भावज एवं गांव के स्त्री पुरुष कहते थे, यह क्या जमाना आया है, घर में जवान लड़की कुंवारी बैठी है, न उसे माता पिता की परवाह है, न लोक लाज की। भजन कीर्तन तो हम भी करते हैं, परंतु हमने तो संसार की रीत नहीं तोड़ी। कोई कहता, यदि सभी लड़कियां इसी प्रकार कुंवारी रहने लग जाए तो वंश कैसे चलेंगे। लोग कहते थे, बड़ी जवानी है परंतु कमाकर खाने को तैयार नहीं और न ब्याह करने को तैयार, कब तक घर ठाली बैठ कर भाई भावज की रोटियां तोड़ेगी। यह भी कोई बात है, दिन भर में एक दिन का तोड़ती नहीं और करतल लेकर रामधुन में लगी रहती है। ऐसी स्थिति में तो एक दिन भीख मांगने निकलना पड़ेगा। इतनी सुंदर रूप लावण्य वाली नारी बिना पुरुष के कैसे जीवन काटेगी। औरतें बातें करती, जमाना कितना खराब है, ऐसे में कोई सती साध्वी रहने देगा। जमाना मुस्लिम राज का है, हर क्षण औरतों पर इज्जत का संकट बना रहता है। प्रतिदिन यही कथा कहानियां और आलोचनाएं राणाबाई को स्त्री पुरुषों एवं भाई भाव से सुननी पड़ती थी। राणाबाई हैरान थी कि यह मेरा निश्चय है, क्या मैं अपने जीवन के बारे में निर्णय करने का भी अधिकार नहीं रख सकती। घर के बड़े बूढ़ों का दायित्व है, अतः वे कहें तब तक कोई बात नहीं, पर यहाँ तो जिसे देखो वही उपदेश देना शुरू हो जाता है, वही इधर उधर की आलोचना में मशगूल हो जाता है। राणाबाई ने एक दिन सोचा कि इन सब झंझटों से पिंड छुड़ाने का एक ही उपाय है कि इन सब से दूर चला जाए। ऐसा सोचते सोचते एक दिन राणाबाई चुपचाप अपने घर के गहरे बमरा में बैठ गई और दरवाजा भिड़ाकर चुपचाप भगवान की आराधना करने लगी। आराधना के लिए कोई मंदिर, मठ अथवा अन्य अच्छा स्थान हो ऐसा जरूरी नहीं, एकांत जंगल या हिमालय की गुफा हो आवश्यक नहीं। आराधना के लिए चाहिए मन का संकल्प एवं अपने इष्ट के प्रति एकाग्रता। फिर क्या है, कहीं पर भी समाधि लग सकती है, कहीं भी, सबे भूमि गोपाल की, भगवान तो सर्व दूर विद्यमान है। उस भक्त में उसे देखने की शक्ति होनी चाहिए। राणाबाई जिस बंवरे में बैठी थी वह काफी गहरा था, भारी अंधेरा था तथा उसमें एक भयंकर विशाल काला नाग रहता था, जिसकी दिल दहलाने वाली फुंकार सुनकर अच्छे अच्छों के होश उड़ जाते थे। इसीलिए कोई प्राणी उधर जाने का सोच ही नहीं सकते थे। ऐसे स्थान पर बैठकर
राणाबाई अपने प्रभु का भजन करने लगी। अकस्मात राणाबाई के गायब हो जाने से घर भर में परेशानी बढ़ गई। गांव के स्त्री पुरुषों में भी तरह तरह की अटकलबाजियां चलने लगी। चारों ओर कानाफूसी होने लगी। भाभी और भाई माता पिता पर बरसने लगे। कहने लगे, देखा, हमने पहले ही कहा था लक्षण अच्छे नहीं है, पर हमारी सुनता कौन है। परंतु माता पिता के मन में ऐसा कुछ नहीं था। उन्हें विश्वास था कि राणाबाई कोई भी गलत कदम नहीं उठा सकती। फिर भी राणाबाई के न मिलने पर चिंतित होना स्वाभाविक था। चारों ओर खोज प्रारंभ हो गई। खोज के लिए बावरी बुलाया गया, जिसने पद चिन्हों की खोज की, परंतु समस्त दौड़ धूप बेकार रही। किसी ने कहा, राणाबाई प्रतिदिन अपने गुरुजी खोजी जी के पास पालड़ी जाती थी, संभव है वह वहीं चली गई होगी। वहाँ भी आदमी दौड़ाए गए, परंतु वहाँ भी राणाबाई नहीं मिली। थक हार कर सभी लोग बैठ गए। राणाबाई बमरे में बैठी प्रभु भक्ति में लीन हो गई। उसे न तो खाने की चिंता थी, न सोने की चिंता थी, बस अब उसे तो एक ही चिंता थी, प्रभु मिलन की। उसे न तो प्यास लगती थी और न भूख लगती थी। वह संसार से निश्चिंत होकर प्रभु भक्ति में लीन हो गई, आनंद अनुभव कर रही थी। राणाबाई का संसार ही अब बंवरा हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे बंवरा नहीं, एक भरा पूरा संसार हो। राणाबाई वही लोगों के साथ भजन कीर्तन करती, साधु समागम करती, भक्तों के गुणगान करती और सभी चिंताओं से मुक्त अहर्निश प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। राणाबाई तो चिंताओं से मुक्त हो गई, परंतु उनके इष्ट देव को चिंताएं बढ़ गई। महापुरुषों का कथन सत्य है, जो अपना सब कुछ भगवान के श्री चरणों में न्योछावर कर देते हैं, उसकी चिंता भगवान करते हैं। भगवान श्याम सुंदर ने स्वयं राणाबाई के लिए नाना प्रकार की भोजन सामग्री एवं पेय जलादि की व्यवस्था की। स्वयं जगजननी लक्ष्मी जी ने राणाबाई की एक माता के समान सार संभाल की। कहते हैं, स्वयं भगवान गोपीनाथ राणाबाई के सम्मुख प्रकट होते रहे। राणा की प्रशंसा करते, उसकी हिम्मत बढ़ाते, कभी उसके माथे पर हाथ फेरकर आशीर्वाद देते, कभी परम परमेश्वर चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर ब्रह्मांड के दर्शन कराते और सब प्रकार से अभय देते। राणाबाई के लिए तो बंवरे में बैकुंठ का आनंद प्राप्त हो रहा था। राणाबाई की भक्ति पक गई, उन्हें साक्षात प्रभु के दर्शन हो गए। अब वह बंवरा नहीं रहा, बल्कि गोलोक हो गया, जहां उसके प्रभु निरंतर विद्यमान है और साधुगण एवं भक्तगण निरंतर भक्ति कर रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, भगवान के गुणानुवाद कर रहे हैं। देवी देवता चहुं ओर से जयकार करते हुए पुष्प वर्षा कर रहे हैं। राणाबाई के इस अनिर्वचनीय अनिर्वणनीय सुख की कल्पना ही नहीं की जा सकती। बंवरे में रहते रहते राणाबाई ने बैकुंठ सहित संपूर्ण त्रिलोकी के दर्शन कर लिए। इस अवस्था में राणाबाई को 6 माह से अधिक समय कब व्यतीत हो गया पता ही नहीं लगा। घर परिवार के लोग भी शांत हो गए। भाई बावज भी लोगों ने सोचा कि उन सभी की बातों से तंग आकर किसी कुएं बावड़ी में डूब मरी होगी, यह सोचकर संतोष कर लिया। वर्षा के दिन आ गए। किसानों को अपने खेतों की चिंता होने लगी, हल बैलों को संभालने लगे तथा राछ आदि संभालने लगे। एक व्यक्ति राछ ढूंढने के लिए बंवरा के निकट पहुंच गया। उसे नाग देवता की फुंकार नहीं सुनाई दी तो उत्सुकतावश झांक कर अंदर देखा। अंदर का दृश्य देखकर उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। वह देखता देखता आत्मविभोर हो गया। एकाएक उसे विश्वास ही नहीं हुआ
कि जिस बंवरे को नाग देवता के भय के कारण अपेक्षित कर रखा था वह साक्षात स्वर्ग के समान सुसज्जित है। वह क्या देखता कि अंदर प्रकाशपुंज के जगमगाते प्रकाश में जगमगाता जगन माता लक्ष्मी जी राणाबाई को अपने हाथों से भोजन परोस रही है। देवियां पंखा झूला रही है, कोई कोई शीतल पानी की झारी से जल सेवा कर रही है। उस व्यक्ति को वह मात्र अंधेरा बंवरा नजर नहीं आ रहा था, बल्कि एक ऐसा भवन दिखाई दे रहा था जहां अनेक प्रकार के सुख साधन उपलब्ध थे। वह व्यक्ति अधिक देर तक वहां खड़ा नहीं रह सका। कहते हैं कि किसी भी सुख दुख घटना की बात मानव मन में टिकती नहीं, उथल पुथल मचाती है तथा शीघ्र उगलने को जी चाहता है। बिरले ही ऐसे लोग होते हैं जो चमत्कारी बात को भी हजम कर लेते हैं। उस व्यक्ति में हजम करने की ताकत नहीं थी। वह दौड़ा दौड़ा गांव से ही बड़ले के नीचे पहुंचा और लोगों को आंखों देखा दृश्य के बारे में बताने लगा। क्षण भर में तो बात बिजली की गई से फैल गई। देखते देखते गांव के नर नारियों की भीड़ बवरा के आसपास इकट्ठी हो गई। तब घर के लोगों को पता चला कि बात क्या है। माता पिता भाई भावज ने बवरे के निकट पहुंचकर बड़े प्यार से बार बार राणाबाई को बवरे से बाहर निकलने का आग्रह किया। थोड़ी देर में वयोवृद्ध परदादा जालम जी भी आ गए और उन्होंने भी राणाबाई को बाहर आने का आग्रह किया। इस पर राणाबाई बंवरे से बाहर आई। दादा एवं माता पिता ने राणाबाई को हृदय से लगा लिया। सभी की आंखें खुशी के आंसुओं से सरोबार थी। उपस्थित जन समुदाय ने राणाबाई की जय जयकार से वातावरण गूंजा दिया। माँ ने पूछा, भाई बिना अन्न जल के इतने लंबे काल तक तुम कैसे रह पाई? राणाबाई ने कहा, माँ मेरे भगवान गोपीनाथ जी ने वहाँ मेरी सुध ली, मुझे एक क्षण को भी नहीं बिसराया, मेरे लिए सारी व्यवस्थाएं कर दी। जगन माता लक्ष्मी जी स्वयं मेरे भोजन पानी की व्यवस्थाएं कर रही थी। उस समय परिवार वालों ने कहा था कि राणा हाथ पांव न हिलाएगी तो उसे रोटी पानी क्या भगवान आकर दे जाएगा। वस्तुतः व्यंग में कही गई बात आज सत्य दिखाई दी है। परिवार वालों ने एवं गांव के लोगों ने देखा, बंवरे में अनेक प्रकार के मिष्ठान व्यंजनादि रखे हुए हैं, शीतल जल की झारी भरी हुई है। वह सब देखकर उपस्थित लोग गदगद हो गए, सारे शिकवा शिकायत भूल गए। बंवरे के अंदर की काली नागिन भी न जाने कहाँ गायब हो गई। लोगों के मस्तक सहज रूप से राणाबाई के समक्ष प्रणिपात हो गए। आसपास के ग्रामों नगरों में जहाँ यह खबर गई, लोग हरणावा गांव की ओर दौड़ने लगे। सभी जल्दी से जल्दी राणाबाई के दर्शन करना चाहते थे। जो राणाबाई का तिरस्कार किया करते थे वे अब उनकी पूजा करने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे मानो अष्ट सिद्धियां भी राणा की सेवा करने आ गई है। राणा जिसे आशीर्वाद दे देती वही फलीभूत हो जाता। अब राणाबाई साधारण स्त्री नहीं, देवी बन गई है। कीर्ति सारे चोखले में फैल गई। अब तो भक्तिमयी राणाबाई के दर्शनों के लिए उनके कथा कीर्तन में लोगों का तांता लगने लग गया। बिरले ही ऐसे लोग होते हैं जो चमत्कारी बात को भी हजम कर लेते हैं।
उस व्यक्ति में हजम करने की ताकत नहीं थी। वह दौड़ा दौड़ा गांव से ही बड़ले के नीचे पहुंचा और लोगों को आंखों देखा दृश्य के बारे में बताने लगा। क्षण भर में तो बात बिजली की गई से फैल गई। देखते देखते गांव के नर नारियों की भीड़ बोबरा के आसपास इकट्ठी हो गई। तब घर के लोगों को पता चला कि बात क्या है। माता पिता भाई भावज ने बोबरे के निकट पहुंचकर बड़े प्यार से बार बार राणा भाई को बोबरे से बाहर निकलने का आग्रह किया। थोड़ी देर में वयोवृद्ध परदादा जालम जी भी आ गए और उन्होंने भी राणा भाई को बाहर आने का आग्रह किया। इस पर राणा भाई बोबरे से बाहर आई। दादा एवं माता पिता ने राणा भाई को हृदय से लगा लिया। सभी की आंखें खुशी के आंसुओं से सरोबार थी। उपस्थित जन समुदाय ने राणा भाई की जय जयकार से वातावरण गूंजा दिया। माँ ने पूछा, भाई बिना अन्न जल के इतने लंबे काल तक तुम कैसे रह पाई? राणा भाई ने कहा, माँ मेरे भगवान गोपीनाथ जी ने वहाँ मेरी सुध ली, मुझे एक क्षण को भी नहीं बिसराया, मेरे लिए सारी व्यवस्थाएं कर दी। जगन माता लक्ष्मी जी स्वयं मेरे भोजन पानी की व्यवस्थाएं कर रही थी। उस समय परिवार वालों ने कहा था कि राणा हाथ पांव न हिलाएगी तो उसे रोटी पानी क्या भगवान आकर दे जाएगा। वस्तुतः व्यंग में कही गई बात आज सत्य दिखाई दी है। परिवार वालों ने एवं गांव के लोगों ने देखा, बंवरे में अनेक प्रकार के मिष्ठान व्यंजनादि रखे हुए हैं। शीतल जल की झारी भरी हुई है। वह सब देखकर उपस्थित लोग गदगद हो गए। सारे शिकवा शिकायत भूल गए। बंवरे के अंदर की काली नागिन भी न जाने कहाँ गायब हो गई। लोगों के मस्तक सहज रूप से राणा भाई के समक्ष प्रणिपात हो गए। आसपास के ग्रामों नगरों में जहाँ यह खबर गई, लोग हरणावा गांव की ओर दौड़ने लगे। सभी जल्दी से जल्दी राणा भाई के दर्शन करना चाहते थे। जो राणा भाई का तिरस्कार किया करते थे, वे अब उनकी पूजा करने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे मानो अष्ट सिद्धियां भी राणा की सेवा करने आ गई है। राणा जिसे आशीर्वाद दे देती वही फलीभूत हो जाता। अब राणाबाई साधारण स्त्री नहीं, देवी बन गई है। कीर्ति सारे चोखले में फैल गई। अब तो भक्तिमयी राणाबाई के दर्शनों के लिए उनके कथा कीर्तन में लोगों का तांता लगने लग गया। प्रत्येक व्यक्ति राणाबाई के दर्शनों के लिए ललायित था। नित्य प्रति दूर दूर से जात्रु जुड़ने लगे। गांव में मेला सा उमड़ पड़ा। हरणावा वस्तुतः इस समय हरि का वास बन गया था। राणाबाई के परदादा जालमजी जाट बड़े सूरवीर एवं धार्मिक वृत्ति के व्यक्ति थे। उनकी देखरेख में ग्राम की व्यवस्था बड़े सुचारू रूप से चल रही थी। ग्रामवासी बड़े आनंद से अपने दैनिक क्रियाकलापों में मस्त थे। उस काल में हरणावा गांव खियाला के अंतर्गत प्रशासनिक व्यवस्था में आता था। खियाला छोटी खाटू के रास्ते में आने वाला ग्राम था। मेड़ता राज्य पर शहंशाह शेरशाह सूरी का अधिकार था तथा उनकी ओर से राव विरमदेव का शासन था। खियाला क्षेत्र के राजस्व पर शेरशाह की लड़की का अधिकार था तथा उसी से उनका व्यय आदि चलता था। एक बार जालमजी जाट हरणावा गांव का वार्षिक लगान जमा कराने खियाला गए थे। हरणावा लौटते लौटते संध्या हो गई तथा गेंचोलाव तालाब के पास आते आते अंधेरा काफी गहरा हो गया था। गेंचोलाव तालाब हरणावा से महज 2-3 किलोमीटर दूर एक तालाब है। गेंचोलाव तालाब के आसपास कोई बस्ती नहीं थी। चारों ओर घना अंधकार व सुनसान था।
योगा योग ऐसा हुआ कि जालम जी रास्ता भटक गए। अचानक जालम जी देवतियों के बीच पहुंच गए। हालांकि जालम जी ये जानते थे कि गेचोलाव के आसपास देवतियों का जुड़ाव है तथा गांवों के व्यक्ति भय के कारण रात्रि में इस रास्ते की ओर नहीं आते, परंतु करते क्या, जल्दी जल्दी चलने के बाद भी देरी हो गई। दैत्य ने जालम जी को पकड़ लिया। यद्यपि जालम जी सूरवीर थे, हिम्मती थे, परंतु वृद्ध थे। बहुत देर तक संघर्ष करने के बाद वे दैत्य से हार गए। दैत्य ने कहा, यदि राणा का मुझसे ब्याह करने का वचन दे तो मैं आपको छोड़ सकता हूँ। बाध्य होकर जालम जी को दुखी मन से स्वीकारना पड़ा। जालम जी जाट रास्ते पर चिंता में खोए रहे कि अब क्या होगा। सर्वांगीण सुंदरी अपनी लाडली पोती का विवाह एक दैत्य से करना पड़ेगा, परंतु क्या करते, वचनबद्ध थे। हरनावा आने के पश्चात भी चिंता ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। अब न भूख लगती है न प्यास, चिंता ही चिंता में भूले जा रहे थे। वृद्ध तो पहले से ही थे, शीघ्र ही खाट पकड़ ली। राणाबाई ये सब देख रही थी। एक दिन राणाबाई दादाजी के पास बैठी और कहा, दादाजी आप क्यों चिंता कर रहे हो, मुझे सब मालूम है, आने दो प्रेत को, देख लेंगे, आप किसी बात की चिंता ना करो। अकस्मात वह दिन आ गया। गांव में आंधी तूफान चलने लगा। भयंकर विभिन्न प्रकार की दिल दहलाने वाली आवाजों से वातावरण भयभीत करने वाला बन गया। चारों ओर भूत प्रेत घूमने लगे। भूत प्रेतों की हुंकार सुन ग्रामवासी भयाक्रांत हो गए। लोगों ने अपने अपने घरों के दरवाजे खिड़कियां बंद कर लिए। भगवान से प्रार्थना करने लगे कि अब क्या होगा। दैत्य अपनी बारात सजा कर आ गया। लोगों ने देखा, मुख्य प्रेत दूल्हा बनकर अनेक भूत प्रेतों को बाराती बनाकर नाना प्रकार के वाहनों पर सवार गाजे बाजों के साथ गांव में आ धमके और जालम जी जाट के घर ही आ रहे थे। गांव में सर्वत्र हाहाकार मच गया। राणाबाई के परिवार वालों की दशा अत्यंत शोचनीय बन गई। जालम जी सहित सभी स्वजन स्त्री पुरुष घबरा गए। सभी राणाबाई को घेर कर बैठे। सभी को अब जालम जी द्वारा दिए गए वचन की जानकारी हो गई। भाई भाभी जालम जी को तो क्या कहते, परंतु राणाबाई को कहने लगे, भाई तू किस खोटे नक्षत्र में पैदा हुई कि अब तेरा हाथ एक पिशाच को सौंपने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। सती राणाबाई ने सभी को आश्वस्त करते हुए कहा, दादा बापू आप चिंता नहीं करो, प्रभु हमारी निश्चित रक्षा करेंगे। सभी राणाबाई पर प्रभु कृपा को जानते थे, फिर भी पूरी तरह विश्वास नहीं होने से राणाबाई के आश्वस्त करने पर भी भयभीत थे। इधर राणा ध्यानमग्न होकर प्रभु की प्रार्थना करने लगी, हे नाथ त्रिभुवन पति, मैं तो मात्र आपकी ही दासी हूँ। हे भगवान गोपीनाथ, मेरा तो वरण एकमात्र आपके अलावा किसी अन्य से कभी स्वप्न में भी संभव नहीं है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है। हे लीलाधर, शीघ्र ही आप इस माया को समेटिए। उस दिन अमावस्या शनिवार रविवार की संधि थी। 500 दैत्यों का समूह ऊंटों गधों पर सवार होकर डमरू रणतुरी सहनाई आदि बाजे बजाते हुए जालम जी के घर की ओर चले आ रहे थे। कहीं कहीं अग्नि के अंगारों से ज्वालाएं उठ खड़ी हो रही थी, जो कहीं कहीं जोर जोर से आंधी और अंधड़ के कारण पूरे गांव में भयंकर अंधेरा व्याप्त हो गया। दैत्यों ने जालम जी जाट के घर पहुंचकर घर के सामने वेदी तैयार करवा दी।
बंधनवारे लगा दी। दूल्हे के रूप में सजा विकराल रूप वाले प्रेत ने अपने हाथों में तोरण थामकर चवरी मारना प्रारंभ कर दिया। चीख पुकार मच गई। गांव के स्त्री पुरुष मूर्छित होने लगे। सारे हरनावा में त्रय त्रय मच गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। इधर रानाबाई की बावज राना को उलाना देते हुए कहने लगी, ननद भाई धन्य है तेरी भक्ति और तेरे कीर्तन भजन को। ऐसा लगता है तू तो स्वयं ही पिशाचनी है, तभी तो आज हमें यह दिन देखना पड़ रहा है। हमारे वंश को कलंकित करने के लिए कभी बमरे में बैठकर स्वांग रचाती हो और कभी प्रेतों को बुलाती हो। धन्य है भाई जी। अब खास ननदोई के साथ हमारे घर बार से निकलकर जल्दी जाओ। आप तो डूबी हो, हमें क्यों डूबा रही हो। ऐसी अवस्था में रानाबाई चुप कैसे बैठ सकती थी। राना की क्रोधाग्नि भड़क गई। देखते ही देखते वह सुंदर लावण्यमयी मूर्ति विकराल रणचंडी बन गई। माँ दुर्गा के समान शक्तिशाली ओजस्वी राना का स्वरूप देख परिवार वाले सभी चकित रह गए। तूफानी वेग से रानाबाई वहीं पहुँच गई जहाँ दैत्यराज दूल्हा बनकर बैठा था। रानाबाई को देखते ही प्रेत दूल्हा भय के मारे थर थर कांपने लगा। रानाबाई ने एक ही झपटे से उस दैत्य को पकड़कर धरती पर दे मारा और पांव से दबाकर जमीन में गाड़ दिया तथा ऊपर भारी शिलाखंड से ढक दिया। यह दृश्य देखकर शेष दैत्य भूत प्रेतादि घबराकर चिंगाड़ने लगे, वहां से भागने लगे। गाँव का अंधेरा बवंडर दूर हो गया। लोग घरों से बाहर निकल आए और रानाबाई के प्रताप की जानकारी कर रानाबाई की जय जयकार करने लगे। परिवार में आनंद मंगल छा गया। गेंचोलाव तालाब अब प्रेतों भूतों के भय से मुक्त हो गया। सभी प्रेत तालाब छोड़कर न जाने कहाँ रफू चक्कर हो गए। जानकारी के अनुसार दैत्य को जिस शिलाखंड के नीचे दबाया गया था, आज भी यदि उस शिला का कोर किनारा उखड़ जाए तो वहाँ तत्काल ही लाय लग जाती है, अर्थात अग्निकांड लग जाती है। उस शिलाखंड को स्पर्श करते ही शरीर में ज्वर व्याप्त होने लगता है। कहते हैं भगवान की लीला अपरंपार है। भगवान अपने पुत्रों का कभी नुकसान नहीं करते। समझने का अंतर है। भगवान सब कार्य अपनी योजना अनुसार ही करते हैं। अब क्या कैसे होगा कोई नहीं जानता, परंतु उसके प्रत्येक कार्य में मनुष्य का हित छिपा है। क्या पिता अपनी संतानों का बुरा कर सकता है। प्रेतों की पैशाचिक लीला समाप्त होते ही ग्राम में स्वर्णिम उजियारा छा गया। सारे गांव में हर्ष की लहर दौड़ गई। रानाबाई की महाशक्ति का तेजस्वी प्रभाव सभी ने देखा और समय ही उस पुण्य प्रताप के समक्ष नतमस्तक हो गए। लोगों में रानाबाई के प्रति असीम श्रद्धा की भावना जागृत हो गई। सभी आश्वस्त हुए कि रानाबाई की छत्र छाया में भय की असुरक्षा के लिए अब कोई स्थान नहीं है। आज यह श्रद्धा भक्तजनों में व्याप्त हो गई कि मात्र रानाबाई का नाम स्मरण करने से कैसा भी संकट हो निवारण हो जाता है। रानाबाई प्रतिदिन 7-8 किलोमीटर पैदल चलकर अपने गुरु खोजी जी का आशीर्वाद लेने एवं सत्संग करने पालड़ी जाया करती थी। रानाबाई अपने गुरु जी की सेवा में अकेले ही रहा करती थी। पालड़ी ग्राम के राठौड़
गोविंद राव को यह बात बड़ी बेचैन करने लगी। उसे यह बात अटपटी लगती थी कि भरपूर यौवनावस्था की सुंदर लावण्यमयी युवती एकांत में पुरुष के साथ रहकर भी क्या अपने सतीत्व को कायम रख सकती है। उसे राणाबाई के चरित्र पर संदेह हुआ। उसने निश्चय किया कि खोजी जी एवं राणाबाई के परस्पर एकांत सेवन के रहस्य को वास्तविक रूप में उजागर किया जाए। अब गोविंद राव इसी टो में रहने लगा। एक दिन उसने छुपकर दोनों के एकांतवास का अवलोकन किया। राठौड़ गोविंदराज उस दृश्य को देखकर दंग रह गया और ठगा सा निरंतर देखता रहा। क्या देखता है कि गुरुजी 6 माह के शिशु बन गए और राणाबाई। गोविंद राव उस दृश्य को देखकर दंग रह गया और ठगा सा निरंतर देखता रहा। क्या देखता है कि गुरुजी 6 माह के शिशु बन गए और राणाबाई जगजननी माता बनी। बालक को स्तनपान करा रही है, लाड प्यार कर रही है, दुलार रही है। अब तो गोविंद राव के आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही। उसे अपनी शंका पर पश्चाताप हुआ तथा वह अत्यंत शर्मिंदा हुआ। उसे अपने पर घिन होने लगी कि कैसा कुत्सित भाव उसके मन में जागृत हुआ। कुछ देर बाद गोविंद राव राणाबाई के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगा और बोला, भाई जी मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे भ्रम हो गया था, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। राणाबाई ने मुस्कुराते हुए अभय प्रदान करते हुए उसे उठाया और कहा, गोविंद राव जी ब्रह्म से तो सारा संसार बड़ा पड़ा है। मन की कुत्सित भावना छल कपट त्याग कर शुद्ध भाव से गुरु चरणों की शरण में जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। पालड़ी ग्राम के लोगों को गोविंद राव राठौड़ ने जब इस घटना की जानकारी दी तो श्रद्धा भक्ति से गांव वालों ने सती राणाबाई का जय जयकार किया और उसमें नित्य भाई जी के दर्शनों की होड़ होने लगी। जैसे जैसे सती राणाबाई के अद्भुत चमत्कारों की जानकारी गांवों और नगरों में होने लगी, हरनावा ग्राम में यात्रियों की भीड़ बढ़ने लगी। हर कोई ऐसी अद्भुत प्रतापी देवी जी के दर्शन के लिए ललायत रहने लगे। श्रद्धालुओं का तांता सा लग गया। राणाबाई भक्तों को एक ही उपदेश देती, अपने जीवन में सच्चे बनो, झूठ कपट से दूर रहो, ईर्ष्या भाव छोड़कर आपस में प्रेम से रहो और सच्चे हृदय शुद्ध भाव से ईश्वर का स्मरण करो। अच्छे कर्मों से ही अच्छी गति है, अच्छा जन्म मिलेगा और जन्म मरण से मुक्ति मिलेगी। बोरावड़ के मेड़तिया ठाकुर राज सिंह राठौड़ की सती राणाबाई में बहुत अच्छी निष्ठा थी। वे प्रत्येक कार्य करने से पूर्व राणाबाई का आशीर्वाद एवं नाम स्मरण करना नहीं भूलते थे। एक बार जोधपुर नरेश मालदेव के आदेश से गुजरात की ओर युद्ध करने चले गए। भीषण युद्ध चल रहा था, शत्रु सेना बड़ी प्रबल थी। ऐसी स्थिति में हार जीत का निर्णय ही नहीं हो रहा था। शत्रु के आघात से जोधपुर की सेना के पैर उखड़ने लगे और वह भागने लगी। स्वयं सरदार राजू सिंह राठौड़ की जान पर आ गई। संकट के इस क्षणों में सरदार राजू सिंह ने सती राणाबाई का स्मरण कर सहायता के लिए पुकार की एवं संकल्प किया कि युद्ध समाप्त होने के बाद सर्वप्रथम आपके दर्शन करने के बाद ही बोरावड़ जाऊंगा। तत्काल बाजी पलट गई।
जो सेना कायरों की तरह भाग रही थी अचानक जोश से भरकर जमकर युद्ध करने लगी। सरदार राजू सिंह की तलवार भयंकरता से शत्रु सेना पर चलने लगी। देखते देखते युद्ध भूमि शत्रुओं के शवों से पट गई, धरती रक्त से लाल हो गई, हारती बाजी जीत में पलट गई। शत्रु को पराजित होते देखकर उनको शरण लेनी पड़ी। युद्ध में शानदार विजय पर जोधपुर नरेश ने प्रसन्न हो उन्हें तामीजी सरदारों का चिन्ह सोने का कड़ा और अनेक गांवों की जागीर उपहार में दी। जोधपुर महाराज ने सम्मानित होकर प्रसन्नचित वे सीधे बोरावड़ गए। बोरावड़ के लोगों ने उनका शानदार स्वागत किया। विजय उन्माद में सरदार राज सिंह हाथी पर आसीन गढ़ की ओर बढ़ रहा था कि अचानक हाथी ठिठक गया। परंतु यह क्या, गढ़ का दरवाजा आते ही हाथी चिंगाड़ उठा। महावत के लाख प्रयत्न करने पर भी हाथी गढ़ में घुसने को तैयार नहीं था। अचानक राठौड़ सरदार राज सिंह को अपना संकल्प याद आ गया। सोचने लगा कितनी भयंकर भूल हो जाती। उसने मन ही मन रानाबाई के चरणों में मस्तक नवाया और महावत को हाथी हरनावा ग्राम की ओर चलने का आदेश दिया तथा अंबावाड़ी से ही अपनी भूल के लिए रानाबाई से क्षमा याचना की। यथासमय सरदार हरनावा पहुंचा। हरनावा में राठौड़ राज सिंह को लाव लश्कर सहित प्रवेश करते देख ग्रामवासियों में हलचल मच गई। रानाबाई के समक्ष पहुंचते ही हाथी से उतरकर राठौड़ राज सिंह ने बाई जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और अपनी भूल के लिए बार बार क्षमा याचना करने लगा और कहने लगे, आपकी कृपा से मैं युद्ध में विजयी हुआ, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। बाई जी उस समय घर के बाहर गोबर लीप रही थी। शत्रु के आघात से जोधपुर की सेना के पैर उखड़ने लगे और वह भागने लगी। स्वयं सरदार राजू सिंह राठौड़ की जान पर आ गई। संकट के इस क्षणों में सरदार राजू सिंह ने सती रानाबाई का स्मरण कर सहायता के लिए पुकार की एवं संकल्प किया कि युद्ध समाप्त होने के बाद सर्वप्रथम आपके दर्शन करने के बाद ही बोरावड़ जाऊंगा। तत्काल बाजी पलट गई। जो सेना कायरों की तरह भाग रही थी अचानक जोश से भरकर जमकर युद्ध करने लगी। सरदार राजू सिंह की तलवार भयंकरता से शत्रु सेना पर चलने लगी। देखते देखते युद्ध भूमि शत्रुओं के शवों से पट गई, धरती रक्त से लाल हो गई, हारती बाजी जीत में पलट गई। शत्रु को पराजित होते देखकर उनको शरण लेनी पड़ी। युद्ध में शानदार विजय पर जोधपुर नरेश ने प्रसन्न हो उन्हें तामीजी सरदारों का चिन्ह सोने का कड़ा और अनेक गांवों की जागीर उपहार में दी। जोधपुर महाराज ने सम्मानित होकर प्रसन्नचित वे सीधे बोरावड़ गए। बोरावड़ के लोगों ने उनका शानदार स्वागत किया। विजय उन्माद में सरदार राज सिंह हाथी पर आसीन गढ़ की ओर बढ़ रहा था कि अचानक हाथी ठिठक गया। परंतु यह क्या, गढ़ का दरवाजा आते ही हाथी चिंगाड़ उठा। महावत के लाख प्रयत्न करने पर भी हाथी गढ़ में घुसने को तैयार नहीं था। अचानक राठौड़ सरदार राज सिंह को अपना संकल्प याद आ गया। सोचने लगा कितनी भयंकर भूल हो जाती। उसने मन ही मन
राणाबाई के चरणों में मस्तक नवाया और महावत को हाथी हरनावा ग्राम की ओर चलने का आदेश दिया तथा अंबावाड़ी से ही अपने भूल के लिए राणाबाई से क्षमा याचना की। यथा समय सरदार हरनावा पहुंचा। हरनावा में राठौड़ राज सिंह को लाव लश्कर सहित प्रवेश करते देख ग्रामवासियों में हलचल मच गई। राणाबाई के समक्ष पहुंचते ही हाथी से उतरकर राठौड़ राज सिंह ने बाई जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और अपनी भूल के लिए बार बार क्षमा याचना करने लगा और कहने लगे, आपकी कृपा से मैं युद्ध में विजयी हुआ, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। बाई जी उस समय घर के बाहर गोबर लीप रही थी। गोबर सने हाथों से ही बाई जी ने उनकी पीठ पर थपथपी लगाई। आसपास खड़े लोग यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि पीठ पर लगी साप केसर की उसी रंग की दिखाई दे रही थी तथा चारों ओर केसर की सुगंध वातावरण में माप रही थी। राणाबाई ने कहा, कृपा तो भगवान की है, उन्हें कभी नहीं भूलना और सदा उनका स्मरण करना। भगवान राम ही सर्वस्व हैं, भगवान नाम ही सार है और सब बेकार है। हाथी घोड़ा गन गना चंद्रमुखी बहुनार, नाम बिना ये हमलोक में पावे दुख अपार। सती राणाबाई का अखिल भारतीय श्री निम्बाकाचार्य की मुख्य पीठ सलेमाबाद जो कि किशनगढ़ के पास है प्रायः आना जाना रहता था। निम्बाकाचार्य स्वामी परशुराम देवाचार्य श्री जी महाराज का भी अनेक बार हरनावा प्रस्थान हुआ, प्रवास हुआ। राणाबाई निम्बाकाचार्य पीठ के परमाचार्य प्रतापी स्वामी श्री परशुराम देवाचार्य श्री महाराज के सत्संग के कारण प्रायः वृंदावन वास भी करती रहती थी। भगवान श्री गोपीनाथ जी की उपासना का रहस्य एवं गोपीनाथ का प्रभाव राणाबाई को स्वामी परशुराम देवाचार्य श्री जी महाराज की सत्प्रेरणा से प्राप्त हुआ। राणाबाई एक बार वृंदावन गई, दर्शन कर लौटते समय गोपीनाथ जी को अपने मरुधर देश पधारने का निमंत्रण देते हुए कहा, हो जी मारा कुंज बिहारी चालो तोले चालू मरुधर देश। कहते हैं कि गोपीनाथ जी ने राणाबाई का निमंत्रण स्वीकार कर लिया परंतु मूर्ति रूप में आने की इच्छा व्यक्त की। राणाबाई वृंदावन से गोपीनाथ की मूर्ति हरनावा ले आई। शीघ्र ही हरनावा में एक मंदिर बनवाकर उसमें मूर्ति की विधिवत प्रतिष्ठा की। अब तो राणाबाई नित्य मंदिर की सेवा पूजा करती, भगवान बना बनाकर गाया करती और नृत्य कीर्तन करती रहती थी। हरनावा गांव में आज भी गोपीनाथ जी का मंदिर विद्यमान है जहां राणाबाई के भाई श्री भवान जी के वंशज उसके पुजारी होते हैं। सती राणाबाई स्वयं कवियत्री थी। लोग कहते थे कि उनके रचित पद व भजन किसी काल में महिलाएं प्रायः घट्टी पीसते समय गाया करती थी। बच्चे प्रातः राणाबाई के भजन सुनने जागा करते थे। पुरुष गायें दूहते हुए थानों में चारा नीरते हुए हल बैल खेतों में ले जाते हुए गाया करते थे। रात्रि जागरण में भी पुरुष महिलाएं राणाबाई के भक्ति भरे गीतों व पदों को विभिन्न राग रागनियों में बड़ी तल्लीनता से गाया करते थे। सलेमाबाद निम्बाकाचार्य श्री परशुराम देवाचार्य श्री जी महाराज ने भी राणाबाई के चरित्र पर
एक पद कोई दुख देत लेत परचे को नाम का बनाया था। सती राणाबाई ने विक्रम संवत 1627 अर्थात 1570 ईस्वी फाल्गुन सुदी तेरस 16 मार्च 1570 ईस्वी को 66 वर्ष की उम्र में अपने इष्ट देव गोपीनाथ जी के मंदिर के पास जीवित समाधि ले ली थी। उनके आदेशानुसार उनकी समाधि कच्ची बनवाई गई जो आज भी विद्यमान है। उस समाधि को देखकर लोग पूजा करते हैं और नारियल अगरबत्ती चढ़ाते हैं। राणाबाई की समाधि बड़ी जीवंत है। समाधि के विषय में बहुत ही चमत्कारों की घटनाएं प्रचलित हैं। कहते हैं समाधि के पास अब नारियल की बहुत सारी जटाएं एकत्र हो जाती है। तब वर्ष में एक दो बार स्वतः अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और सभी जटाएं स्वाहा हो जाती है। एक और आश्चर्यजनक घटना सुनी जाती है कि राणाबाई का आदेश था कि समाधि की सेवा चुटकी भिक्षा मांग कर की जाए। बहुत दिनों तक इस आदेश का पालन होता रहा। कालांतर में दरबार ने मंदिर को बहुत सी जमीन दी। उस पर प्रसी की उपज भूमि से मंदिर का वैभव बढ़ गया। तब से मंदिर के पुजारी ने चुटकी भिक्षा बंद कर दी। कहते हैं परिणाम यह हुआ कि पुजारू पंगु हो गया, अतः पुनः चुटकी भिक्षा प्रारंभ कर दी गई जो आज भी की जाती है। पूजा करने का अधिकार बड़े पुत्र का होगा। शास्त्रानुसार समाधि की फेरी नहीं लगती क्योंकि वह कुंवारी लड़की की समाधि है। विक्रम संवत 1979 अर्थात 1922 ईस्वी की एक घटना की जानकारी होती है। जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह के रसाले के 500 घुड़सवार राजकुमारी जी का टीका लेकर बहु ठिकाने को जयपुर निकल गए थे। अब रसाला वापस लौट रहा था तो रात्रि विश्राम के लिए हरनावा में बाग के सामने पड़ाव किया। हरनावा गांव के प्रतिष्ठित ठाकुरवर महाजन ब्राह्मण तथा भाई जी की समाधि के तथा गोपीनाथ जी मंदिर के पुजारी श्री चतराराम जी ने रसालेदार से कहा, आप लोग भले ही यहाँ रुक जाएं, परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखें कि यह देवी राणाबाई का धाम है, उनकी जीवित समाधि है। अतः इस पवित्र सिद्ध स्थान पर मांस मदिरा का प्रयोग निषिद्ध है, अतः इसका प्रयोग नहीं करें। परंतु रसालेदार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्हें अपशब्द बोलकर सभी को रवाना कर दिया। पुजारी समाधि पर पहुंचे और राणाबाई से पुकार की, माँ अब तो तू ही लाज रख। इसका तुरंत परिणाम हुआ, चारों दिशाओं में भयंकर गर्जन होने लगा। एक भयंकर तूफान आया, सर्वदूर अंधकार हो गया। उस गर्जना को सुनकर डर के मारे रसाले के तमाम घोड़े कुंटे तुड़ा तुड़ा कर भाग चले, केवल एक घोड़ा ही मिल गया। रसालेदार व एक सवार समझ गए कि सती राणाबाई नाराज हो गई है, तभी ऐसा हुआ। घुड़सवार ने रसालेदार के साथ राणाबाई की समाधि जाकर धोक लगाई और अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। तभी जाकर वह घनघोर आवाज शांत हुई। आज भी उस क्षेत्र में मांस मदिरा का सेवन निषिद्ध है, कोई नहीं करता। 500 में से केवल रसालेदार व एक सवार को छोड़कर शेष घोड़े व सवार कहाँ गए पता ही नहीं चला। सवार ने निवेदन किया, माँ मेरा घोड़ा मिल जाए तो मैं घर चला जाऊँ,
माँ ने कृपा कर उसका घोड़ा मंगवा दिया। वही घोड़ा था जो उसका था। कितना अद्भुत चमत्कार। सभी राणा भाई कुछ पढ़ी लिखी नहीं थी। उस जमाने में हरनावा में कोई विद्यालय भी नहीं था, फिर भी ऐसा लगता है जैसे चारों वेदों और सभी शास्त्रों का सार उन्हें ऐसा हृदयंगम था जैसा बड़े बड़े वेदज्ञ पंडितों को भी नहीं होता। वे जानती थी कि संपूर्ण ज्ञान विद्या के आधार एकमात्र परम प्रभु ही होते हैं। वे जानती थी कि संपूर्ण ज्ञान विद्या के आधार एकमात्र परम प्रभु ही है। अतः उन्होंने अपने आप को अपने भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। पढ़ने वालों की बुद्धि में, मस्तिष्क में ज्ञान भरा रहता है, परंतु जीवन व्यवहार में नहीं, उनका जीवन उससे अछूत रह जाता है। शास्त्रों का वास्तविक ज्ञान तो राणाबाई ने ही अपने जीवन में उतारा था। अपने इष्ट प्रभु के प्रति एकांतिक निष्ठा के साथ पूर्ण समर्पण, इससे केवल राणाबाई का ही कल्याण नहीं हुआ था, अपितु उन्होंने अपने नाम स्मरण से लाखों लोगों के जीवन का कल्याण कर दिया।